व्लॉग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस व्लॉग में एक छोटा सा पपी, बहुत प्यारा सा पपी। आपको वो पपी कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर। कुत्ता 26,000 का, और देख लो इसके आंखें मुंह बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। नेवर रखिंग गेन, हमारा बजट नहीं है। 26,000 का कुत्ता, कुत्ता है पता नहीं कुत्ती है, यो भी है। इसको कहते कुत्ता पालना, तो कुछ ऐसा पालो बढ़िया प्रीमियम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का ब्लॉग हम शुरू करने वाले हैं। ब्लॉग में होगा क्या ये मुझे भी नहीं पता, बस आज ब्लॉग शुरू कर दिया। शनिवार है आज का दिन, और पिछले संडे जो मैंने ब्लॉग बनाया था, पिछले संडे वो ब्लॉग मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो तो रिस्पॉन्स बता ही दिया, और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अब मेरे दिमाग नहीं चल रहा मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, नथिंग। तो अभी ये सैनिटाइजर नहीं है, ये मैं साफ करने के लिए जेल है। तो फ्रेंड्स देखो आज के ब्लॉग में आपको क्या क्या इंटरेस्टेड देखने को मिलता है, और ये संडे तक मिलेगी। कल भी मैं शूट करूँगा, आज शनिवार, पहले शनिवार एतवार शॉप बंद रहती थी, अब वापस खोल दी गई है। एतवार तो खैर बंद रहेगी, पर आज का ब्लॉग सीन क्या कुछ है मैं बताता हूँ। देखो है कि ये मेरी उंगली हो गई है, टूट गई है, ये ब्रेक हो चुकी है, ये टूट चुकी है। ये यहाँ से फुटबॉल, पहले मेरी टूटी हुई थी ये उंगली, सॉरी उंगली टूटी हुई थी, और ये नाखून टूटा हुआ था, इसका भी नाखून टूटा हुआ था। फुटबॉल मैं नंगी पैरी खेल रहा था, और यहाँ से मांस फटा हुआ है, ठीक है। और ये उंगली टूटी हुई है, कल मेरा गुजर के बैक साइड में पैर में लग के ये उंगली और दुख गई। ये देखो ये पार्ट बाहर आ रहा है, ये इस साइड से बाहर आ रहा है, ये आप कौन से देख लो। अब ये बहुत दर्द करती है, 4-5 दिन हो गए हैं, पर इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस जैसे ये उंगली टूटी हुई है, जो चेक कर सकते हो, ये भी टूटी है उंगली, टूट गया फुटबॉल खेल 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 के। तो सीन है कुछ ऐसा कि अभी मैंने फ्रंट कैमरा लगा दिया है, और बस आज के ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा पता नहीं। बस आज शुक्रवार एंजॉय करेंगे, कल एतवार एंजॉय करेंगे, सोमवार ये आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो आज देखो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अभी मुझे वीडियो बनाने जाना है, ओप्पो के F17 Pro की, और Realme 7 की भी बनानी है, Realme 7 Pro की बनानी है। और Realme 7 Pro अभी आया नहीं है, बल्कि ऑफलाइन मार्केट में नहीं आया। सीन आएगा कुछ ऐसा कि गर्मी बहुत हो रही थी, अब देखो बारिश हो रही है, एकदम नज़ारे भरी ठंडा मौसम, मैं बैठा बाहर दुकान के अपने पे, और एकदम फ्री माइंड। हाँ बारिश का नज़ारा, ये चेक जरा, बारिश हो रही है, मेरे हाथों पे नहीं हो रही, थोड़ा और आगे हाथ करना पड़ेगा फिर बारिश होगी। इंजॉय बैठा दुकान में, मैं आ गया शाम के आके, यहाँ आने के बाद होता क्या मैं बताता हूँ। मैंने बस यहाँ के ऐसे मार देना है या ऐसे कर देना है, बस आके 10-15 मिनट ऐसे करके चले जाना है। शाम भी अगर कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं वो भी ऐसे खींच देते हैं, पर कोई अतर नहीं। जैसे ऐसे मैं लगती शाम भी आप जान सकते हो, ये मेरी वीडियो की एंट्री में कई वेले बैठे होते हैं वहाँ मुँह लटका के, अब दोस्त सही है चलो, और पता नहीं आज क्या होता। मैंने बोला था ना दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं हो जाते हैं कभी कभी हो जाते हैं। तो बस आगे सुन चल रहा, फोन आ गया, तो अब देखो आगे क्या क्या करें, बोर हो रहे हैं, कभी हम इधर भी आ जाते हैं, कभी कभी लकी मोबाइल्स बन जाते, एडवांस सॉल्यूशन, एडवांस ऑल मोबाइल रिपेयर पॉइंट एडवांस सॉल्यूशन। ये भैया कभी इनका सिर खा लेता हूँ, कभी इनका सिर खा लेता हूँ, ये अभी बिजी है, फ्री टाइम क्या करें, कस्टमर तो है नहीं। क्या चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं ना, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में बैम बड़ा, लोगों को फ़ोन कम ही खरीदते हैं, तो बैटरी बुटरी लेनी हो, फ़ोन रिपेयर कराना हो, मेरे से संपर्क करना है। मैं ना हूँ फिर इनके पास आना है, और मेरी शॉप वो सामने मेरी शॉप, कोई कस्टमर आता है अच्छा वो मेरी शॉप, यूट्यूबर मनी ये एडवांस सॉल्यूशन, कभी इधर आ जाओ कभी उधर, टाइम तो पार करने ही कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स होगी रात, शनिवार की रात, मैं चिकन लेके आ चुका हूँ, पर आज खेलूंगा नहीं क्योंकि मेरे पैर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत दुख रही है चीची, मैंने ब्लॉग में स्टार्टिंग में दिखा दी थी। तो अभी रात को खेलते हैं हम 8:30 बजे, पर मैं ग्राउंड में आ गया तो आपको मैच दिखा देता हूँ थोड़ा सा, वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी आप मैच चल रहा है, मैं मैच दिखाता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बस जर्नैल के पास बोल, और ये देखते ओ बार, क्योंकि रात को खेलते हैं, ये चेक कर सकते हो मैच चल रहा है, देख लो खेलने वाले कितने होते हैं, बल्कि ये हॉकी की ग्राउंड है वैसे, उधर पोल पाल लगे पूरे एकदम जेनुइन है। मैं आपको परले साइड से दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उधर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं सड़क बीच में जा रहा हूँ, ये इधर से बॉल, ओ ये ओ ये क्लियर, ये मानव के हाथ में बॉल, और ये पास हुआ, ये गुज्जर हेड मारा मानव और गुज्जर, और ये बॉल इधर से जूबी के पास बॉल, ओहो नेरा हो गया, तो ये जाती हुई बॉल, तो मतलब कि
बल्कि आपने एक मेरे सुनने में देखा आप मैच खेलते हैं, पर ये देख सकते हो और ये गोलों में और ये कीपर की लड़की हल्की सी और मानो के पास फॉल, ये जश बॉल मांगता हुआ, ये तुषार भी खेलता हुआ ठीक है, और ये बॉल उधरी उधरी फंसी हुई है ठीक है, प्लेयर टोटली हल्का हल्की बारिश भी हो रही है, मतलब कि नमी नमी बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है, तुषार मार लेके खेल रहे हैं। तो इधर देख सकते हो मतलब कि अभी हो गए 10-12 से अमित भैया, इस बार सेंटर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो ये मैच का आज एंकरी करते हुए थोड़ा सा मैच आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। अब मैट भी दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, और जे रजत बैठ कर सकते हो, ये रजत बैठा है, वैसे ऐसे में मेरी वीडियो उल्टी पुल्टी हो जाती है तो इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। कारपेट ये देखो, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, रात तक लाइटें चलती है, ये कारपेट है ठीक है, सिंथेटिक मैट है, यहाँ बिछा हुआ प्रैक्टिस होती है, पोलपाल है और इधर हम खेल रहे हैं। वैसे बीच वाली ग्राउंड तैयार होगी, ये इधर हम खेल रहे हैं, मैं अभी नहीं खेल रहा, ये द्वारती मैच स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। ये मैं आपको जो माउट करके दिखाता हूँ, ये नॉर्मल जस्ट स्टार्ट कर रहा है, ये तुषार खड़ा है, मुझे नाम याद होने में दिक्कत होती है ठीक है, मुझे मेन नाम याद है, नीटू भैया, तुषार, मानव, यश, टार्जन है हाँ ये टार्जन खड़ा है ठीक है, ये नीटू भैया आ गए, इनकी एंट्री मैंने पहले दिखा दी थी। तो ये मैच चल रहा है, मैच स्टार्ट हो रहा है, द्वारती स्टार्ट हो रहा है, ये टीम बता रहे हैं कि कौन सी टीम है, हाथ खड़े कर लो। और ये विवेक भाग के आ गया, कोहली की तरह भाग के आया, ये आज खेल नहीं रहे, दो प्लेयर तीन प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, ये अमित भैया नीटू भैया तो खेल रहे हैं, ये बाहर बैठे हैं। और रात को खेलने का मज़ा आ जाता है, बल्कि अभी काम करके आए ना तो मज़ा आ जाता है, आप नज़ारे लो नज़ारे स्टेडियम में। ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट होगा, जूते डाल रहा हो, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो गया, और ये देखो बॉल, बल्कि रात को खेलना, फ्रेश होके रात को जाके खेल के सोना, ओए होए होए क्या मज़ा आ जाता है, पता है आपको, बहुत मज़ा आता है ठीक है ना। और ये अमित भैया के पास बॉल, और ये एकदम क्लीन है, मेरे पास होना चाहिए जो, ओ ये शूट, और ये यश के पास, यश क्या करता है, फिर से क्लियर, ये फिर से शूट, वाह। कौन आया हमारी साइड, अभी सीन कुछ ऐसा है, मैंने हेलमेट पकड़ा हुआ है, चाबी मेरे हाथ में है, वो यहाँ बैठने के लिए ये सीढ़ियाँ सी है, ये वैसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, है भी है, उधर भी पड़ी हुई है ठीक है। तो अभी मैंने बैग बुक पाया, मैं अभी सीधा शॉप से आ रहा हूँ ठीक है, शॉप के मॉर्निंग के ब्लॉग आपने देख ही लिए होंगे, तो ये आप देख सकते हो बैग में अब मैच चल रहा है, स्टार्ट है, और मेरे उंगली पे कुछ सीन हो रखा है, ज़्यादा चोट लग रखी है, नहीं तो मैं भी खेल रहा था, अभी खेल के लत हो जाता मैं तो। बस अभी ये ब्लॉग देखो कैसे जाता है, पूरे दिन का, अभी ये रात का शेड्यूल है, और मैंने घर जाके बनाना है खाना, खाने में क्या बनाना है, अभी मैं चिकन बनाऊँगा और साथ में चावल बनाऊँगा, बस खाना खाएँगे। ओह बोला कि इधर बोलो, ओह क्या 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 बात है, क्या बात है। और ये ओ ये कौन था, तुषार ने बार बोली शूट मार दी, 90% शूटें इसकी बाहर ही जाती है, ऐसा क्यों ये नहीं पता, 90% शूट, बल्कि अगर 100 शूटें मारेगा उसमें 90 शूटें बाहर जाएगी, 10 शूटें अंदर जाएगी रनिंग में। और ये अमित भैया ने शॉट मारी जो कि दबा ली गई यश की तरफ, मानव ले गया पीछे से आके, और ये अमित भैया के पास, और ये क्लियर शूट, और ये ओ, और ये यश के पापा, और गुज्जर ने मानव को पास किया, और ये निकल गया मानव बीच में से, तो ये निकलता हुआ, और ये क्लियर बॉल आ गए, और ये इसका नाम भूल गया, ए शूट, ओ वो जीनियस, ओ क्या आप इंटरनेशनल मैच देख रहे हो, अब देखता हूँ। ये देखो सरदार जी काफ़ी बढ़िया खेलते हैं यार, मुझे इनकी गेम सही लगती है, पास कितना जेन्युइन था, कि बहुत बढ़िया चिप मार दी, बस उनका रोकर का कंट्रोल नहीं था ना। देखो ए अमित भैया, ये गया मानो के पास, बॉल से मुझे दी, और जो भिड़ते हुए तो हो अनुज लेके जाता हुआ, अनुज अच्छा उसका नाम अनुज है, मैं भूल जाता हूँ, ये कौन है मैच, ओ मानो भिड़ता हुआ लास्ट का थ्रो। तो फ्रेंड्स सीन है कुछ ऐसा, अब मैं जा रहा हूँ घर, ये स्टेडियम अभी मैच चल रहा है ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं। ये मेरा मीटर, मुझे सबसे बेस्ट अपनी बाइक में मीटर लगता है, और रेस गेयर कितने किलोमीटर चली है एक दिन में वो ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हो आगे सड़क, हाँ जहर जहर जहर। ब्लॉगिंग में तो बाइक होनी चाहिए ना, बाइक में मैं कैमरा फिट करूँगा, कहाँ करूँगा पता नहीं, अभी मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी। अभी दूसरे गियर पे जाते हुए गियर चेंज, तीसरा, क्या बात है, तवा तवा तवा। चलो घर जाके चिकन चुकन बनाएंगे, चावल चुकन बनाएंगे, फिर सो जाएंगे 12-1 बजे नई गेम खेल के। अब कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ मैं, और फ्री फायर खेल रहा हूँ, फ्री फायर मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी फिर भी ठीक, थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी, तो फ्री फायर भी अब थोड़ी खेल लूँगा मैं, अभी खेला नहीं अच्छे से,
तो ये राइड ऐसे राइड अच्छी लगती है ना, ऐसे हेलमेट हो, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, पर ऐसे भी नहीं है, क्या करें। अभी फिलहाल जा रहे हैं हम घर, तो मैं अभी जा रहा हूँ घर, घर जा रहा हूँ, सामने पुलिस भी है, तो यही जा रहा हूँ। जिस सड़क है ये वही सड़क है जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे 6 बजे बंद हो जाता है सारा कुछ, वो वाला सिस्टम है। ये एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस नहीं है, डीसी डीसी की गाड़ी जा रही है। तो अभी मैंने मुड़ना है और इंडिकेटर को दे सकता, तो मैं ऐसे इधर आ जाऊँगा, तो इंडिकेटर को दे सकता। और एक आदमी मोबाइल, एक आदमी आगे भी बाइक आ रही है, और बाइक को हेलो हेलो रुक जाओ। तो मैं शूट करता करता बाइक चला रहा हूँ, गलत बात है जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे, पर क्या करें, अभी मैं कैमरा दूसरा नहीं लेके आया तो ऐसे से काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं प्याज लूँगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं। फ्रेंड सीन है कुछ ऐसा, मैं आ गया रूम में, बीच में चला गया मंडी, में से मैं केले ले आया, केले बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसमें मनीष भी ले जाएगा शायद, और आपने खाने आप भी खा सकते हो। मेरा मॉर्निंग की डाइट होती है कि मैं सुबह उठ के ब्रश वाश करके केले खाता हूँ, और जब स्टेडियम से खेल के आता हूँ तब केले खाता हूँ। तो केले ले आया, डाइट आ गई अपनी। अंडे अपने फ्रिज में पड़े हैं, अंडे दिखाओ, वैसे तो फ्रिज खाली है पूरी, और नीचे देखो अंडे की ट्रे बैठी हुई है। अभी इसमें मेरे पड़े हुए हैं 10-12 अंडे पड़े हुए हैं। तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं किचन में जाके कुकिंग करूँगा, तो उसके लिए वीडियो बनाऊँगा क्योंकि फ़ोन लगा दूँगा चार्ज। तो जब वो स्मार्ट खाने का बन जाएगा, मैं चिकन अलग बनाऊँगा, बिरयानी अलग बनाऊँगा, चावल अलग बनाऊँगा। तो फिलहाल डाइट आ गई है, प्याज प्यूज में सारा कुछ ले आया हूँ, तो अभी स्किप करते हैं इसको। ऐसे शेफ नहीं कर रहे काम, गलती होगी बहुत तगड़ी, गलती की हुई चिकन बना के। जैसे मैंने चिकन की ग्रेवी बनाई, उसमें चिकन डाला, तुरंत पानी डाल दिया, जिसके कारण जो ग्रेवी का रसा है या टेस्ट है मसालों का, वो चिकन के अंदर नहीं घुसा। अब चिकन पक गया और टेस्ट चिकन में कम घुसा है। हो जाती कभी कभी बड़े बड़े शेफ होते गलतियाँ। तो ये चावल बन रहे हैं और चिकन अपना तैयार है। चलो आज बॉइल्ड चिकन खाया जाएगा। तो अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, अपने तसल्ली से काम किया है और बस अब मॉर्निंग में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं उठ गया हूँ, 12 बजे मैं उठा हूँ, और अभी प्रेजेंट टाइम मेरे योगेश से बात से हो रही थी। तो अभी भुवन वाम की पहले नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखी, जो नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग में चल रही है, एंग्री टीचर। और दूसरे नंबर पे गाना इस वेले घर जाना देख करना च बज रहा है, पैसे पूसे बारे बिलो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बिलो छाउण वास्ते, दलजीत का न्यू गाना है पंप चहर, एक एक वर्डिंग बढ़िया लिखी हुई है, और लिखी किसी और ने, उसका नाम भूल गया मैं, पर गाना दलजीत ने गाया यार, और मज़ा आ गया, मज़ा एकदम मज़ा। जिंदगी चल रही है ऐश, अब करेंगे ब्रश और फिर खाएंगे खाना, और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यू नो ईट नाउ बनाना, या क्या मतलब राइम बन गई, जोड़ना बैठा राइम, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करो और पुश करते हैं। आज संडे शुरू हो चुका है, मैं बता दूँ, मैं कल से ब्लॉग शुरू किया है, ब्लॉग लंबा होगा तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ हाँ चलो वेट करो। तो सीन कुछ ऐसा है, अभी शाम हो चुकी है, पूरा दिन आज कुछ नहीं किया, सिर्फ गेम खेली है, गेम खेली मतलब कि ट्रेडिंग की हुई है। तो सीन है कुछ ऐसा है कि संडे वाले दिन अपना कुछ नहीं किया, पूरा दिन बेड पे बैठे रहे, आराम किया, कुछ भी नहीं किया बस। और बस आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है, 2 दिन आपको पता लग गया क्या किया संडे वाले दिन, रेस्ट किया। अभी लाइव आने का टाइम है, लाइव आने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए लाइव आएंगे। तो बाय, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।